मोहर कैबिनेट बैठक संपन्न, इन 10 प्रस्तावों पर लगी मोहर, अनुकंपा नियुक्ति पर अपडेट। नमस्कार, आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। तो चलिए रुक करते हैं आज की प्रमुख और बड़ी खबर पर। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में आज सोमवार को राजधानी भोपाल में मंत्रालय में कैबिनेट की अहम बैठक संपन्न हुई। कैबिनेट बैठक में एक दर्जन महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर चर्चा के बाद मोहर लगाई गई। इन फैसलों को लोकसभा चुनाव से जोड़कर देखा जा रहा है। बैठक के बाद पूरी मोहन कैबिनेट अयोध्या श्री राम के दर्शन के लिए रवाना हो गई। कैबिनेट बैठक में लिए गए ये महत्वपूर्ण फैसले, कैबिनेट बैठक के फैसलों की जानकारी देते हुए नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने बताया कि भारत सरकार ने स्मार्ट सिटी 2.0 योजना की शुरुआत की है। योजना के तहत 100 स्मार्ट शहरों में से 18 शहरों का चयन किया जाएगा। इन शहरों को लगभग 135 करोड़ रुपए की राशि दी जाएगी, जिसमें 50% राज्य शासन का समावेश भी होगा। आज मंत्रिमंडल की बैठक में इस योजना को भी स्वीकृति प्रदान की गई है। कैबिनेट बैठक में सिंचाई और पीडब्ल्यूडी विभाग की पुरानी योजनाओं को समय सीमा में कार्य पूर्ण करने के लिए बजट स्वीकृत किया गया है। 2000 से ज्यादा ग्राम में लाभ मिलेगा। डायल 100 की संचालन कंपनी की 6 माह की सीमा बढ़ाने को मंजूरी। 10 सिंचाई परियोजना के लिए बजट स्वीकृत। न्यायिक अधिकारियों के प्रशिक्षण के लिए 485.84 करोड़ से मध्य प्रदेश राज्य न्यायिक अकेडमी हेतु ग्राम मंगेली बरेला बाईपास रोड जबलपुर में नवीन भवन निर्माण किया जाएगा। पंचायत सचिव की मौत पर परिवार के एक सदस्य को अनुकंपा नियुक्ति दी जाएगी। कैबिनेट बैठक में फैसला लिया गया है कि कर्मचारियों अधिकारियों के जिले के बाहर भी हो सकेंगे तबादले। वहीं 2000 प्रोफेसर पीएचडी करने के लिए होंगे अधिकृत। इसमें आगे कुलगुरु बनने की योग्यता भी बन जाएगी। उज्जैन क्षेत्र के औद्योगिक विकास एवं अर्थव्यवस्था में गुणात्मक सुधार को देखते हुए उज्जैन एवं जावरा के मध्य 4 लेन ग्रीनफील्ड एक्सेस कंट्रोल्ड हाईवे का निर्माण जाएगा। पीपीपी मोड पर जिला अस्पताल का जिला चिकित्सा महाविद्यालय में होगा उन्नयन। निजी एजेंसी को देंगे काम, 75% बेड गरीबों के लिए होंगे आरक्षित। 25% बेड निजी एजेंसी कर सकेंगी उपयोग। जबलपुर में नर्मदा नदी पर बनेगा झूला पुल। प्रदेश के विकास, धार्मिक पर्यटन से जुड़े निर्माणों को देंगे मूर्त रूप। कैबिनेट बैठक से पहले सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि अयोध्या धाम की यात्रा के बाद प्रदेश के विकास और धार्मिक पर्यटन से जुड़े कई निर्णयों को मूर्त रूप दिया जाएगा। हमारी सरकार अयोध्या धाम में मध्य प्रदेश के यात्रियों के धर्मशाला का निर्माण करने और हमारे प्रदेश के प्रमुख धार्मिक स्थलों पर अन्य प्रदेशों की सरकार को स्थान उपलब्ध कराकर धर्मशालाएं बनवाने का प्रयास करेगी। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी किसी बड़ी और खास खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए द खबरदार न्यूज। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपने सपनों का घर बना रहे हैं, एपी कंस्ट्रक्शन सॉल्यूशंस आपके लिए तैयार है। मजबूत सिविल इंजीनियरिंग से लेकर आकर्षक वास्तुकला और विशेषज्ञ वास्तु परामर्श तक हम आपके सपने को साकार करते हैं। वास्तुकला, वास्तु और हुनर इतने बढ़िया। दिए गए नंबर पर कॉल करें और अपने घर के डिजाइन को चमकाएं। प्लीज विजिट द माउंटेन कैफे एंड बेकरी फॉर फास्ट फूड नियर बाय सुहागी बाईपास। शिफ्टिंग की टेंशन? अब नो टेंशन। शिफ्ट गो पैकर्स एंड मूवर्स है ना, जो आपके घर के पूरे सामान के साथ आपकी बाइक व कार को सुरक्षित एवं जिम्मेदारी के साथ आपके घर तक पहुंचाता है। तो आप देख इस बात की आज ही संपर्क करें 8821000717।